कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने एक बड़ी बात कही है। ये घटना आतंकी गतिविधि जैसी है, ये दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा है। रिमांड मांगते वक्त पटियाला हाउस कोर्ट ने इन आरोपियों को, जिनको कहा है दिल्ली पुलिस के वकील ने कि घटना आतंकी गतिविधि जैसी हो सकती है, इन आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील का ये बयान, दिल्ली पुलिस के वकील की ये टिप्पणी बहुत बड़ी है। उसने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है, 15 दिन की रिमांड मांगी थी दिल्ली पुलिस ने, 7 दिन की रिमांड पर भेजा है, पुलिस रिमांड पर भेजा है पटियाला हाउस कोर्ट ने, आतंकी गतिविधि जैसी घटना, यह कहा है कोर्ट ने। दिल्ली पुलिस के कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि यह आतंकी गतिविधि जैसी घटना है, यह कहा है दिल्ली पुलिस के वकील ने। यह बहुत बड़ा यहां पर इस पूरे मामले में एक अपडेट, जनरल दत्ता, आतंकी गतिविधि जैसी घटना, दिल्ली पुलिस के वकील का कहना इस मामले को कितना बड़ा बना देता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि इनके ऊपर जो FIR किया गया है वो UPA के माध्यम से किया गया है, और ये जाहिर करता है कि ये एक साजिश के प्लान के तहत काम किया गया है। ये कोई इम्प्रोम्प्टू कार्रवाई नहीं कि कोई एकदम उठ के किसी जोश में आके किसने कुछ कर दिया। पूरी प्लानिंग हुई है, पूरा इन्होंने रिकॉग्निसेंस किया है और तरीका ढूंढा कि कैसे जाके करेंगे। अभी आप ये कह रहे हैं कि ये आप ये कह रहे हैं सर कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, किसी भी चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये मान लीजिए अगर ये एक्चुअल में टेररिस्ट होते, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए होते और इनको ये अंदर एंट्री करने का जरिया मिल गया होता, इन्होंने रेकी कर ली, तो जूते के अंदर बम भी बना के जा सकते हैं। ठीक बात है, आज के दिन में बिना मेटल के आप बम बना सकते हैं, आप प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लास्टिक डेटोनेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, वो सिर्फ केमिकल डिटेक्टर या एक्सरे की मशीन के माध्यम से ही पकड़ा जाता है। तो ये तो एक वेकअप कॉल है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि आप जाग जाएं। आप अपने सर, लेकिन वेकअप कॉल तब नहीं था जब 22 साल पहले एक इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था इस तरह, और उस समय भी आतंकी बाहर ही रह गए थे, अंदर तक नहीं जा पाए थे। आज कुछ आरोपी जिनको दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है, वो वेल तक पहुंच जाते हैं, और फिर बात यह आ रही है कि ये लोग ऐसे ही बस फेम के लिए गए थे, या इसके पीछे कोई टूल किट है जो रैकी की इन्होंने, जो जूते में जांच नहीं हो रही है, पता लगाया कि कितना बड़ा ट्रिगर है सर। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हैं, और मैं तो इसको ये मान के चलूंगा कि वेकअप कॉल है, ये वेकअप कॉल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, उन लोगों को जो ड्यूटी में तैनात हैं ऐसी सेंसिटिव एरियाज में, उनको एक किताब पढ़नी चाहिए। एक किताब का नाम है पुअर मैंस जेम्स बॉन्ड, आप इंटरनेट पे जाएं आपको मिल जाएगी। अगर आप वो किताब पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार कोई भी आम आदमी अपने आप बम भी बना सकता है, हथियार बना सकता है, और कैसे सिक्योरिटी एजेंसी को चकमा दे सकता है। हर एक सिक्योरिटी कार्यकर्ता को किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके आंख और कान और दिमाग काम करे कि मेरी ड्यूटी के अंदर क्या क्या गलत काम हो सकता है। सर, ये किताब तो पहले पढ़ा देनी चाहिए थी सर, अब तो हो गया जो होना था, अब तो दुनिया भर में विजुअल दिख गए। लेकिन फिर भी आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, और जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे लगता है कि मामला इतना छोटा है नहीं, इसके पीछे जरूर कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कोई टूल किट है जिसका आने वाले वक्त में हो सकता है पता लगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस के वकील अगर ये कहें कि घटना आतंकी गतिविधि जैसी है, तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल तक इस पूरे मामले की जाँच अब होगी।